हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो गेहूं के आटे से बनी हुई है। बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आप मेरी वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। मैंने इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लिए हैं फ्रेंड्स, और इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं बिल्कुल करारी। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया तवा, तवे को लो फ्लेम पर मैंने चढ़ाया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं एक छोटा चम्मच मैंने डाला बेसन, चने का बेसन मैंने डाला है फ्रेंड्स। रेगुलर चम्मच से कह लीजिए तो ये डेढ़ चम्मच आएगी। तो इसे लो फ्लेम पर हल्के टाइम के लिए भूनना है। जब इसकी हल्की सी भीनी खुशबू आने लगेगी तो इसे निकाल लेना है। मैंने निकाल लिया, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इसी पैन में मैंने लिया थोड़ी सी तेल, मात्र एक छोटा चम्मच तेल लिया। बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैं ये बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, और मैंने बहुत ही कम तेल का इस रेसिपी में यूज़ किया है। तो एक चम्मच तेल को लिया और पूरे पैन में मैंने फैला दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा। ये जब पूरी तरह से अच्छे से चटक जाएगी, तो तेल मैंने कम डाला है तो मुझे थोड़ी सी चलानी पड़ेगी, तो मैंने इसे हल्का चलाया है तो ये हल्की चटक गई है। तो इसी बीच में डाल रही हूँ यहाँ पर दो हरी मिर्च, और इसे भी हल्का मैं पका लूँगी, मतलब हल्की सी इसको भी क्रिस्पी कर लूँगी। और इसी बीच में डाल रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर चार प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने रफली कट किया है, और इसे भी मैं कुछ टाइम के लिए भूनूंगी। तेल मैंने कम लिया है तो फ्लेम को हाई नहीं करूँगी, लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कंटिन्यू चलाऊँगी। और इसे मात्र हल्का सॉफ्ट करना है, तो सॉफ्ट जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी नमक। तो नमक से ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये थोड़ी सी पक भी जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम चलाते हुए ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ डाल दे रही हूँ पालक। पालक को मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है ताकि इसके टुकड़े बच्चों को ना मिले, मतलब बच्चे वैसे पालक नहीं खाना चाहते, लेकिन आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो मैंने जो दाल वाली कटोरी होती है फ्रेंड्स, उससे लगभग एक कटोरी मतलब भर कर ले ली थी मैंने, और इसे मैं कुछ टाइम के लिए फिर चलाऊँगी। और ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग एक चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि प्याज थोड़ी सी मीठी होती है और मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी। तो मैंने उधर भी दो हरी मिर्च डाला था और यहाँ भी मैंने अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाला। साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर, आप यहाँ पर आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सबको मैं कुछ टाइम के लिए पकाऊंगी, और इसे मतलब कि फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाऊंगी। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो कुछ टाइम भूनते हुए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें हल्की सॉफ्ट और भी हो गई हैं। तो इस स्टेज में मैं डालूंगी लगभग आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, इससे तीखा नहीं होता है, बस इसमें एक टेस्ट आ जाता है। और साथ ही मैंने डाला यहाँ पर थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए लो मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ें अच्छे से मिल भी गई हैं और पक भी गई हैं। तो इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी जो मैंने बेसन को भुना हुआ था सूखा, उसे मैं डाल दूंगी और इसे डालकर मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी, क्योंकि बेसन जो है ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ मैं हल्का सा मिला दे रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये थोड़ी सी टूट जाए। जब अच्छे से सभी चीज़ें तैयार हो जाए तो गैस को कर दे बंद और डाल दे लगभग दो चम्मच टोमेटो केचप और इसे डालकर मिला दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मेरी मतलब प्याज थी बहुत अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ जब तक ये थोड़ी सी ठंडी होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इसकी कलर भी बहुत प्यारी लग रही है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। तो चलिए मैं अगले स्टेज की तरफ चलती हूँ। और यहाँ मैंने लिया एक बड़ा बर्तन, इसमें मैंने लिया एक छोटी कटोरी से गेहूं का आटा, और इसमें मैं इस चम्मच से डालूंगी लगभग डेढ़ चम्मच रिफाइंड, आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी नमक, क्योंकि मैंने नमक प्याज में भी डाला था तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर थोड़ी सी नमक डालनी है। तो नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, तो मैंने अजवाइन लिया लगभग आधा चम्मच। दोनों हाथ पर इसे मल कर डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सूखा पहले मिला लूंगी। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद जो मैंने कटोरी ली थी जिससे मैंने गेहूं का आटा लिया था, उसी कटोरी से मैं ले रही हूँ आधा कटोरी पानी, लेकिन पूरी पानी इसमें नहीं जाएगी फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर मैं इसका टाइट डो लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी टाइट डो लगा ली है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी 5 मिनट की रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू ही बना रही हूँ। तो अब मैं इसे चलती हूँ बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो मैंने ली है डो और इसके छोटे छोटे मैं बॉल्स बना लूँगी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा आटा लिया है,
तो जो मैंने डो तैयार किया था उसे मैंने ले लिया और इसे बराबर कर देती हूँ बिल्कुल बेलन की तरह। अब मैं इसे पार्ट में बांट दूंगी, मतलब जितनी बॉल्स की आप बनाना चाहते हैं मतलब रेसिपी, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 5 लाइन खींची थी, मतलब 5 बॉल मेरी यहाँ बनकर तैयार हो गई, स्मूथ अच्छे से मैंने कर लिया था। अब यहाँ मैंने लिया थोड़ी सी घी, यहाँ पर रिफाइंड नहीं डालना है फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आप घी का ही यूज करें, घी डालेंगे तो ये रेसिपी काफ़ी अच्छी बनेगी। और एक लोई को मैंने ले लिया है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं मैंने कतार में सभी चीज़ों को रखा हुआ है, मतलब घी, सूखा आटा और मेरी लोई की कटोरी। तो मैंने एक लोई को लेकर पूरी का जो शेप देते हैं उसे थोड़ी सी बड़ी साइज मैंने रखी है। और सूखा आटा को मैं किस तरह से यूज करूँगी, तो मैं ले रही हूँ छन्ना, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी सूखा आटा और इसे मैं अभी कर दूंगी साइड, इसका आगे काम पड़ेगा। तो मैंने जो घी को गर्म किया हुआ था उसे मैंने लिया थोड़ा सा और इस पूरी के ऊपर फैला दूंगी। आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसे किस तरह से फोल्ड करती हूँ। तो मैंने पूरी के ऊपर पूरे में अच्छे से घी लगा दिया है और जो मैंने छन्ना में आटा लिया था उसे भी हल्का हल्का इस तरह से स्प्रिंकल कर लिया। आप उंगली से भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से डल जाती है, लेकिन छन्ना से बड़ा आसान होता है डालना। और उसके बाद हल्का सा मैंने उंगली से मिला दिया और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी मैंने फोल्ड कर दी, आधी आधी मोड़ दी। फिर से मैंने घी लिया, थोड़ी थोड़ी डालकर पूरे में अच्छे से लगा लूँगी, चौकोर जो बनी है रेक्टेंगल उसके ऊपर पूरे में मैं घी लगा लूँगी। उसके बाद जो मैंने आटा लिया था इस आटे को फिर से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी बिल्कुल इस तरह से हल्की सी, और हल्की सी इस तरह से मिला लेनी है। अब जो मैंने आधा आधा फोल्ड किया था उसे मैंने एक जैसा कर दिया, मतलब चिपका दिया दोनों को। अब मैं इस पर हल्का सा बेलन चलाऊंगी, तो आप इस तरह से उंगली से भी इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन से इसकी आकार थोड़ी सी लंबी करूंगी इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए, चारों तरफ से एकदम एक इक्वल हो जाए। तो इस तरह से आपको पहले बराबर से बेल लेनी है, उसके बाद क्या करना है कि इस पर लगानी है थोड़ी सी घी फिर से, मतलब यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है फ्रेंड्स। तो पूरे में घी लगाने के बाद फिर से मैंने इस तरह से आटा को स्प्रिंकल किया और इस तरह से पूरे में फैला दे रही हूँ, और उसके बाद इसे राउंड राउंड इस तरह से थोड़ी थोड़ी पतली पतली मोड़ती हुई जानी है बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये रोल बनकर तैयार हो गई। तो अब मैं इसे करूँगी कट, मतलब दो साइज दो पार्ट में इसे कट करूँगी। तो या आप यहाँ पर चाकू का यूज ना करके अगर आप धागा का यूज करेंगे तो ये बहुत आसानी से कटती है, देखिए वाह, और कितनी फटाफट से कट गई ना, और इसकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी आई है। तो अब मैं इसे बनाऊंगी, तो ये जो मैंने प्लेन वाला भाग दिखाया था अभी आपको उसको मैंने नीचे रखा है, और जो राउंड वाला भाग दिख रहा था उसे मैंने ऊपर की तरफ रखकर हथेली से चपटा कर दिया। एक मैं आपको और दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसमें लेयर्स दिख रहे हैं। तो इन लोइयों को अब मैं फिर से बड़ा करूंगी। आप सोचेंगे छोटा करती है बड़ा करती है, तो फ्रेंड्स कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा खाने के लिए। तो मैंने फिर से इसको हल्का पूरी का शेप दे दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी लेयर्स इसमें दिख रही है। तो अब मैं करूँगी फिलिंग, किसी भी साइड से फिलिंग डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रिस्पी ही होनी है। तो यहाँ पर मैंने फिलिंग को डाला और इस तरह से जिस तरह से हम लोग मोमोज को मोड़ते हैं बिल्कुल उस तरह से इसको मोड़ देनी है, और इस तरह से इसको बंद कर दें। आप चाहें तो एक्स्ट्रा टुकड़े को कट करके हटा भी या उसी में छोड़ सकते हैं। तो मैं भी थोड़ी सी कट करके हटा दे रही हूँ, और इस तरह से बराबर करके मैंने यहाँ प्यारी सी बॉल तैयार कर ली। तो मैंने इस तरह के दो बॉल तैयार किए हैं, दो पूड़ी मैंने दिखाई थी। अब मैंने यहाँ तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तेल किस तरह की गर्म होनी चाहिए उसका भी ध्यान देना है, ताकि आपकी जो ये रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी बने। तो देखिए मैंने चाकू से चेक किया, इसमें जब मैंने चाकू को डाला था तो उसमें बुलबुले नहीं आ रहे थे, मतलब एकदम हल्का गर्म तेल होना चाहिए, लो मीडियम से मतलब बीच बीच में रखना है, और इसे धीमे धीमे पकने दें ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो, थोड़ी सी करारी हो। तो जब तक वो दोनों पक रही हैं तो मैं और भी कुछ बॉल्स को तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। तो लोई बनाकर मैंने उसके अंदर फिलिंग डाली अपने अकॉर्डिंग, लोई के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह से फिलिंग को डालें और हल्का दबा दबा कर इसकी प्यारी सी बॉल तैयार कर ले, इस तरह से बंद कर दे, एक्स्ट्रा जो निकले उसको साइड कर दे, और यहाँ और अच्छी सी बॉल तैयार कर ले। उसके बाद हल्का सा इसको प्रेस कर देना है ताकि ये थोड़ी सी चपटी जैसी हो जाए। और अब मैं इस तरह से 4 बॉल को तैयार कर लूँगी और इसे मैं पकने के प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और जो मैंने कढ़ाई में तेल डाला था ना गर्म होने के लिए मतलब पकने के लिए, उसी में से मैंने निकाल लिया यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, और जो मैंने बॉल्स को तैयार किया था इसे मैं डाल दूंगी तेल पर, और इन सभी को मैं लो फ्लेम पर कुछ टाइम के लिए पकने दूंगी। जब ये कुछ टाइम पकेगी तो नीचे से थोड़ी सी कलर आ जाएगी, हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो मैं इसे पलट दूंगी। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से पका लेना है फ्रेंड्स, और बिलीव मी
ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई थी, मतलब जो मैंने लेयर्स वाली बनाई ना उससे भी ज़्यादा मुझे ये टेस्टी लगी थी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप दोनों में से कौन सी पसंद कर रहे हैं। सो तो जब तक इन कचौड़ियों में थोड़ी सी कलर आएगी, थोड़ी सी अच्छे से पकेगी, तो जो मैंने दो बॉल्स को तैयार किया था डीप फ्राई, उसे मैं दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी बनी है, कलर कितनी प्यारी आई है ना। और यहाँ देखिए सो यम्मी, तो इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी करारी बनी हुई है, कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाह। एक बार मैं और तोड़ूंगी, यहाँ देखिए, आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ये क्रिस्पी बनी हुई है। तो ये मेरी डीप फ्राई वाली हो गई, और जो मेरी कम तेल वाली थी वो भी मेरी फ्राई हो गई थी, तो इसे भी मैंने निकाल लिया फ्रेंड्स। और आप इसकी भी कलर देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है, बस थोड़ी सी टाइमिंग लगती है। फ्लेम को मैंने लो रखा था और लो फ्लेम पर इसे पकने दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी प्लेटिंग अच्छे से हो गई है, मैं थोड़ी सी डालूंगी टोमेटो सॉस और इसे गर्मा गर्म परोसूंगी। आप इसे हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस जैसे मन करे उस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स आपकी एक कमेंट्स मुझे बहुत ही पुश करती है नई नई वीडियोज़ डालने के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियोज़ के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।